और उसके नेता कहने को कुछ भी कह लें, लेकिन जब समय आता है तो करते वो वही हैं जो बीजेपी चाहती है। जनगणना को लेकर के भले ही विपक्ष की पार्टियों ने नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंप दिया है और नीतीश कुमार ने आश्वासन भी दिया है कि वो जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर इस बात की सूचना देंगे और वो जाति जनगणना के साथ है, वो भी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मगर इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का कहना है कि इससे पहले भी नीतीश कुमार ने कई मामलों पर धोखा दिया है, इस बार भी वो फिर से धोखा देंगे। आप ये बयान सुनिए। सवाल में ही जवाब है, नीतीश जी कई बार कई मुद्दों पर बीजेपी से अलग राय रखते हैं, लेकिन बाद में फिर पता नहीं क्या होता है वो बीजेपी के साथ ही खड़े हुए रहते हैं। ऐसा हमने उनको धारा 370 पे भी देखा है, CAA के मुद्दे पे भी देखा है और NRC पे भी देखा है, अब जनसंख्या नियंत्रण पे भी देखा है, अब जातीय जनगणना पे भी देख लेंगे। तो मैं समझता हूँ JDU और उसके नेता कहने को कुछ भी कह लें, लेकिन जब समय आता है तो करते वो वही हैं जो बीजेपी चाहती है। मुझे उनके हम लोग का भी डेलीगेशन उनसे कल मिला था और उनसे आग्रह किया था कि अगर आपकी नीयत इस मुद्दे पे साफ है तो विपक्ष की सारी पार्टियां आपको ऑथराइज करती हैं, आप प्रधानमंत्री से मिलिए और इस मुद्दे पर दो टूक बात करिए। फैसला तो नीतीश जी को लेना है। क्या लगता है सर, वो इस बार फैसले पर अडिग रहेंगे? अब मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं समझूँ और कहूँ कि इस बार वो क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे वो नीतीश जी बता सकते हैं, लेकिन अब तक जो करते रहे हैं उससे मान के चलिए कि इस बार भी वही करेंगे जो बीजेपी चाहेगी। तो आपने सुना, सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा का कहना है कि इतिहास में पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 370 का विरोध करते हैं, हम NRC का विरोध करते हैं और कई ऐसे मामले थे जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विरोध तो करते थे मगर अंत में वो फैसला बीजेपी के हक में ही करते थे, बीजेपी जो चाहती थी वही किया करते थे और जातिगत जनगणना को लेकर के भी ठीक ऐसा ही होगा। अभी वो कह रहे हैं कि हम साथ हैं मगर आने वाले समय में जो बीजेपी तय करेगी वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना लौटेंगे उसके बाद जातिगत जनगणना को लेकर के वो आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।